सीबीएसई दशम परीक्षा बातिल निष्पत्ति परे छात्र छात्रीों मध्य मिश्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई वर्षक जाकर परिश्रम पानी रे पड़ बोली सेमाने तेणु कोविड स्थिति सुधुरिले परीक्षा करने अनुरोध करिसंती कटक एलआर डीएवी स्कूल छात्र छात्री माने स्कूल तो बहुत अमर केयर नौला बहुत सारे एग्जाम आम दे आउ बहुत क्लासेस आमको बहुत भल से प्रिपेयर करा जाइतला किंतु जाना नथला कि एमती लास्ट मोमेंट रे एग्जाम कैंसिल हो जीवो आउ एटा सुनला परे आ सरकार तो जा नियम नहीं ताको मानिया को पड़िबो तो टिके कष्ट भी हैला कि एत्ते जो आमे माने कष्ट करथिले टीचर्स माने आमो पई एत्ते कष्ट करथिले आमो स्कूल आमको एत्ते सपोर्ट करथिला किंतु सेइटा रो आमे रिजल्ट एबे करि परिबुनी आउ पुनी ऑनलाइन रे जोटा ऑब्जेक्टिव टाइप रो हबो तापाई के बे माने टिके डर लागुछि कि केमिति कोन क्वेश्चन आसीबो हमकु मासे हेलेनी स्कूल प्रिपेयर करथला बहुत भल कि टीचर्स माने पर्सनल केयर भी नउथले किंतु होची जेतेले होची एग्जाम टा लास्ट मिनट रे कैंसिल हे गला होची पिला माने एबे कन्फ्यूजन रे अछंती बुझि होनी आ एबे ऑब्जेक्टिव कोटे करिवे बोली कहिछंती ऑनलाइन रे सेटार क्वेश्चनर केमिति आसीबो किछि होची माने क्लैरिफाई करा हेनी सेत पे हमें कन्फ्यूज रे अछु आ टिके डर भी अछि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना ट्वीट करी सूचना देखते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोनार प्राथमिक लक्षण देखादा क्षण से कोविड टेस्ट करजेटिव आसी योगी आदित्यनाथ ट्वीट्रे उल्लेख कर डाक्तर परामर्श मानि से एवं संगरोधे रही समस्त सरकारी कार्य भर्चुआल मध्यम कर मंगलवार मुख्यमंत्री कार्यालय केतेज कर्मचारी कोविड 19 पजिटिव होता जमापड़ा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकांत बास रही राज्य में कोरोनार लंबा लंफ उपरमुहा होछि कोरोना ग्राफ आज 2200 टपिछि आक्रांतों संख्या दिनक 2267 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले तीन जनों मृत्यु होती क्वारेन्टाइन 1314 और लोकाल केस रही 953 सुंदरगढ़ को नहीं बढ़ी चिंता गतका सुंदरगढ़ में 200 ऊपर आक्रांतों संख्या थे आज यह संख्या 458 पहुंची से भाई खोर्धार 348 आक्रांत चिन्हट होती 7 जिले में आक्रांतों संख्या 100 टपिछ संबलपुर और बरगड़ 120 लेखाएं आक्रांत चिन्हट होता बेले कटकु 117 नवरंगपुर 104 और नुआपड़ 104 नुआ मामला सामना को आभली बलांगीर 93 पुरी और गंजाम 70 लेखाएं पजिट चिन्हट होती अंपटे बालेश्वर 67 मयूरभंज 60 और झारसुगुड़ा और केन्दुर 55 जन लेखाएं आक्रांत चिन्हट होती जाजपुर 52 अनुगुल 48 जगत सिंहपुर 35 कलाहांडी 34 आक्रांत बाहरी यह सहित राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 355353 पहुंची यह सहित आज राज्य में 3 जनों जीवन नहीं कोरोना बलांगीर जाजपुर और गंजाम जड़े लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होती राज्य में मृत्यु संख्या 1933 को वृद्धि पाई भीमसारे खोल द्वितीय कोविड हॉस्पिटल यह नुआ कोविड हॉस्पिटल रही 250 शय्या और 50 आईसीयू ताछड़ा पूर्वर कोविड हॉस्पिटल शय्या संख्या वृद्धि होगा पुराना कोविड हॉस्पिटल संप्रसारण कर 75 शय्या और 30 आईसीयू वृद्धि होगा ए संपर्क में सूचना देते मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र से बुर्ला भीमसारे पहुंचा पर विभिन्न विभाग अधिकारी सहित बैठक में कोविड स्थिति नहीं आलोचना करते संक्रमण को किभली रोक से नहीं पदक्षेप नापी मुख्य शासन सचिव सीमांतवर्ती जिलागुड़िक गत किदिन हे संक्रमण बढ़ुवर यह रोकवाई कौन पदक्षेप नि सबूर समीक्षा कर सहित कोविड रोगीों पर हस्पिटाल व्यवस्था संपर्क में आलोचना कर बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र डीएमईटी सीबीके महांति भीमसार निर्देशक बरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर जिलापाल और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी अंशग्रहण करते वेस्टर्न ओडिशा आज आम संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ और या पर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिटेल कोविड रिव्यू करने आसचु मो सहित एसीएस हेल्थ डीएमईटी डीएचएस समस्ते आम डिटेल रिव्यू कलु आज झारसुगुड़ा और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट संबलपुर भीमसार जो फैसिलिटी सब अच्छी कोविड हॉस्पिटल देखल और डिसाइड कराई जो मेडिसिन वार्ड गोटे नुआ बिल्डिंग थिला से प्राय 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल आउ गोटे एडिशनल करा जिवो
जोटि प्राय 250 बेड जनरल बेड विथ ऑक्सीजन फैसिलिटी आउ 10टा 50टा आईसीयू ऐड करा। नुआपड़े काया मिलू कोरोना बढ़ुच संक्रमण जिले में बढ़ुवा कोरोना संख्या को दृष्टि रखि आज सिनापाली सहर को कंटेनमेंट जोन भाव में घोषणा कर आज आसंता 17 सकाल जाए सिनापाली कंटेनमेंट जारी रहिबो। फलरे आज सिनापाली सहर में दुकान बजार शिक्षानुष्ठान सब बंद रही लोक मैनेम मानि घर बाहर ना पुलिस लोकों ऊपर कड़ा नजर रखा सहित छत्तीसगढ़ सीमांत जांच कर नुआपड़ आज 104 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। नुआपड़ा जिले में कोरोना हार दिनक दिन वृद्धि पाउछे। गत काली 303 नुआपड़ा जिले में कोरोना संख्या रही बेले आज 104 कोरोना संख्या बाहर यही कोरोना संख्या जो हिसाब से द्रुतगति में बढ़ी चलिए यटा को नहीं सिनापाली ब्लॉक प्रशासन सिनापाली सहर समेत पंचायत को कंटेनमेंट जोन भाव में घोषणा करते तेज आम सहित सिनापाली तहसीलदार महोदय अच्छा सीधा प्रतिक्रिया जानवा ये कंटेनमेंट जोन टाइम केत दिन जारी रण व्यवस्था होती है सर टी कहु कंटेनमेंट जो घोषणा कराई है कौन देखिए कंटेनमेंट घोषणा कराया पड़ा जेहेतु सिनापाली स्प्रेडटा अधिका है लोक मैंने एफेक्टेड है तेणुक आम यहाँ को रोकवाई गोटे पदक्षेप नहीं कंटेनमेंट जोन कर किसी चेंडा को आम रखिपर तेनालीटा 72 घंटा पाई 14 तारीख सकाल 6टा 17 तारीख सकाल 6टा पर्यंत रहिबो। तो सिनापाली सहर सहित आ कौन कौन बंद अच्छे सर से सिनापाली सहर दुकान बजार सब बंद अच्छे बाहर मानने अजथा गाड़ी गुड़ाक भी एंट्री करनी एसेनसीआल गाड़ी जोटा अच्छे से गुड़ाक रोध दुकान सब खोला रोज सर बोर्डर जो रोज छत्तीसगढ़ सीमांत लोक आस कोरोना संक्रमण बढ़ुवा जो कहुच्छे कौन करेंगे सर चेक गेट नाका मान कर कौन व्यवस्था कर चेक गेट गुड़ाक पुलिस दिखाई से एंट्री करके आसला न पचार एंट्री आम सिनापाली तहसीलदार जो कि आमको कंटेनमेंट बाबद सीधा प्रतिक्रिया कहते सिनापाली सहित जोगन पदर कापसी को जो कंटेनमेंट जोन में घोषणा कराई आज सिनापाली आसंता 17 तारीख जाए ये जो सकाल जाए ये जो बंद ये जो आम कंटेनमेंट जोन टाइम रहा सिनापाली विभिन्न जो छक अच्छी छत्तीसगढ़ मुख्यतः जो आसवर जो रास्ता अच्छे से ही रास्ता मानक पुलिस मुतयन कर कड़ाकड़ चक कर स्थानीय तहसीलदार महोदय सूचना देखते नुआपड़ा जिला सिनापाली विजय कुमार साइस न्यूज 18 ओडिया। राज्य में टीकार आदो अभाव ना राज्य में टीका अभाव अभियोग आसवापर यह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान टीका अभाव को खंडन कर केन्द्रमंत्री कहते कि देश में मोट 12 कोटी टीकारु केवल ओडिशा को 45 लक्ष टीका दि जा प्रति दुई दिन में थे 2-2.5 लक्ष टीका आसू मुख्यमंत्री केबे कहिना कि राज्य में टीकार अभाव अच्छी टीका अभाव कथा कही राज्य स्वास्थ्य सचिव राजनीति करदी स्वास्थ्य सचिव राहुल गांधी भाषा कहे ए कि वर्ष 11-12 कोटी टीका भितर 45 लक्ष टीका भारत को ओडिशा को आसी तुलना कर देखु कि बंधु मानक विशेष कर जड़े दुईज एठिकार जी हेल्थ सेक्रेटरी अच्छा ये विवाद को सी आरंभ कर राजनीतिक स्तर में मुख्यमंत्री एक भावुना सीए गोटे निजर बोधे बाहापियापण को देखापी ए प्रकार कथा कही आम तुम अनुरोध करुचु ए प्रकार समाज में क्राइसीस तैयारी न करवा दरकार दुई तीन टी आउ टीका को सरकार खूब शीघ्र अनुमति देवाई जाद्वारा टीका उपलब्ध हम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र अभियोगर जवाब रखिंट बीजेडी विधायक प्रताप देव धर्मेन्द्र कथा सत्य एवं तथ्य उपर आधारित नुहे टीका अभाव राज्यर अनेक केन्द्र बंद हो गला टीकापी केन्द्र को स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव चिठी लिखि कौन भूल कर प्रश्न कर प्रताप देव टीका नहीं मुख्यमंत्री ए प्रसंग केन्द्र सरकार को जन टीका प्रसंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र अजथा राजनीति नक ओडार लोके कि टीका पाइबे से व्यवस्था करतु प्रताप देव कहते कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहनपति राज्य में टीका अभाव रही कि तो सत्य मान तथ्य सत्यता पर आधारित हो स्टेटमेंट दौना से सदा राजनीतिकरण अटाणुंट आम भी देखते आप बर्षे हम टीकाकरण हो पैंडेमिक मैनेजमेंट हो कोविड को लेकिन आज पर्यंत कौन सी जगह राजनीति कथ कराए से कहते माननीय मुख्यमंत्री कहीं उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री चिठी लिखते ऊपर फोन कर प्रधानमंत्री दफ्तर को कि आम जो प्लानिंग मुताबक दिनक 2 लक्ष 3 लक्ष टीका देव से प्लानिंग आम फेल कर जेहतु आप जो परिमाण से प्रथम कथा हूँ मुख्यमंत्री किसी कहुन सचिव मान द्वारा चिठी लिखती मुख्यमंत्री किसी कहुनी
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଇଠି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହିବା, ବ୍ରେକ୍ ପର ନଜର ପକାଇବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଯିବା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବନତିର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଅଣାଯାଉଥିଲା? ହାଇଦରକୁ 3 କଟକ ଅଣାଯାଇଛି। ସେ କଟକ ଆସି ପ୍ରକୃତରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା କି ଶୋଇଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀକୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ହାଇଦରକୁ କେମିତି କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଲା? ଯାହାର କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ରହି କେମିତି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିଲା? କେବଳ ଜେଲ୍, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଗଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହାଇଦର କେମିତି ବାହାରକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା? ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ 3 ହାତ ଯଦି ନଥିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 3 ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଲାଗି କି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ହାତ ବି ଥାଇପାରେ, କାରଣ ନହେଲେ ଏମିତି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ କରାଯାଇପାରିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତା। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସବୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଲା, କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଖାଲି 4-5 ନିରୀହ କନଷ୍ଟେବଲ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଏଠି ଅଟକିଯିବା ନିହାତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଅଭାବ ଫଳରେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 2100 ଅଧିକ ଟିକାଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 48,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 47,362 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆସରିଲାଣି। ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକା ନ ପାଇ ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ 3,500 ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର 3 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକା ନାହିଁ, କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଟିକା ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି ମାନେ ଟିକାଟା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି 3 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରେ 40 ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ବିଜେଡି ଏଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ବୁଥ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଢ଼େଇଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ସେ ବିଜେଡିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ସିଡିପିଓ ICDS ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାଇପର ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥର ସୂଚୀ ଆଜି ଆମେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ କି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରାହଉ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଢ଼େଇ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇଲେକ୍ସନକୁ ହେମ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠୁ କଢ଼ା ହଉ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି CDPO ଆଉ ICDS ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ସଘନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ।
पिपिली उपनिर्वाचन जोर धरी प्रचार बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक आज प्रचार मैदान को ओह्लाई केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी डेलांग जेनापुर बीजेपी प्रचार चलाई प्रताप दलय नेता और कर्मी को सांगे धरी केन्द्रमंत्री माराथन प्रचार करजेपी प्रार्थी आश्रित भोट मागिंट केन्द्रमंत्री डेलांग जेनापुर केन्द्रमंत्री प्रचार आरंभ कर आज इंदिपुर धानकेरा मुनिंदा सुजनपुर और पिपिली एनएससी दलय प्रार्थी आश्रित पट्टनायक प्रचार करेंगे मते आरंभ तो भल जना पड़ी लोक उत्साह अच्छी समस्त प्रकार बाधा विघ्न को अतिक्रम करी माँ भी मैंने भी सामना को आक मैंने आस्ता कटे ढड़ाई लोक भितर पर गोटे आग्रह अच्छी मन प्रस्तुत हो लगुच कंग्रेस तो समस्ते लकडाउन हो गले बाकी आम दु जन भितर लड़े लगी बीजेपी बीजेडी आओ गत थर आम टी 72,000 भोट मिलता आथर आम प्रार्थी से तेणु एथर आम आशा करूँ जे आमर संगठन रो दृढ़ता विस्तारीकरण और माननीय नरेंद्र मोदी के विकास योजना और बीजेडी प्रति लोकों अनाग्रह विरक्ति भाव कारण बीजेपी क्षमता बीजेडी भी जोरदार कैंपेन करुछि बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी डोर टू डोर कैंपेन करने सहित राली करुछन्ति दलर अनेक छामुआ नेता विभिन्न स्थान में सभा और शोभायात्रा करुछन्ति महिला भोटर को टार्गेट करथिबा बीजेडी विभिन्न स्थान में महिला समावेश मध्य करुछि मंत्री समीर रंजन दास बीजेडी पर्यवेक्षक प्रताप देव विधायक बोमकेश राय स्नेहांगिनी छुरिया मंत्री टुकुनी साहू प्रमुख प्रचार मैदान में जोरदार प्रचार करुछन्ति अन्यपटे भाई रुद्र प्रताप प्रचार मैदान में भौणी पल्लवी और भेणेऊ अर्धंदू पिपिली उपनिर्वाचन में भाई रुद्र को विपुल भोटे विजयी कराइबा निवेदन करिछंति पल्लवी उपनिर्वाचन पूर्वरु पिपिली रे पुलिस छाउनी सबुठी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था प्रति छक एवं गुरुत्वपूर्ण स्थान में मुतयन होइछंति पुलिस एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल निर्वाचन को शांति श्रृंखलार सहित समापन करने पुलिस पक्ष सबु व्यवस्था कर पिपिली निमापड़ा छकरु पिपिली हाट ब्लॉक ब्लॉक छक पर्यंत फ्लाग मार्च करा निर्वाचनी हिंसा को लक्ष्य करी पुरी एसपी के विशाल सिंह को नेतृत्व में अतिरिक्त एसपी प्रफुल्ल चंद्र बर्जेना पिपिली एसडीपीओ देवदत्त बराल प्रमुख उपस्थित रे फ्लाग मार्च होई अति उत्तेजना प्रबल बूथ अंचल को कड़ाकड़ी करा निर्वाचन पर विभिन्न स्थान में 9 प्लाटून केन्द्रीय सुरक्षा बल 24 प्लाटून बीएसएफ जवान मुतयन रहिबे 5 जन वरिष्ठ ऑफिसर को सुरक्षा दायित्व दि जा 17 तारीख मतदान होगा बेले सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करोसी अप्रीतिकर घटना को केवे भी प्रशय दिजिव ना आईन उल्लंघनकारी कड़ा दंडविधान अतिरिक्त एसपी कहते सेपटे अजित मंगराज असुस्थ थिबाबेले जोरदार प्रचार करिछंती कांग्रेस रो स्टार कैंपेनर डेलांग ब्लॉक रे प्रचार रो मंग धरिछंती विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति रमेश जेना एवं पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति जयदेव जेना सेभरी जटणी निर्वाचन मंडली को लागिथिबा पिपिली निर्वाचन मंडली रो सीमांत गाँ बुलिथिले विधायक सुरेश राउतराय एवं प्रसाद हरिचंदन महिला एवं युववर्ग को कांग्रेस सपक्ष में भोट देवा अनुरोध करने सहित उभय केन्द्र और राज्य विरोध में प्रबल बर्षिंट दुई नेता अजित मंगराज कोरोना आक्रांत हो असुस्थ होगा कारण भोट देवा अनुरोध करते कांग्रेस नेता डेलांग में 5 पंचायत बुलवा सहित रोड शो करते नेता लोक बेस प्रभावित लोक निष्पत्ति सारी लोक उभय बीजेडी एवं बीजेपी रो कुशासन विरुद्ध रे कांग्रेस रो सुर को शाणित करिवा पाए एक विरोध दल भाव रे कांग्रेस को ही वोट देबे एबे जो बीजेपी कहूछि जे डिंडिम पिटुछि मु विकास करबि मते वोट दियो से को हिसाब रे वोट करबो चासिंग समस्या देखंतु जलसेचन सुविधा देखंतु गैस गोटे साधारण महिला कोरोना टाइम रे 1000 टका गैस हेलानी किंतु तांको उपरु लोक मन फेरै निचंदी निश्चिंत भाबे पूर्ण कांग्रेस दल को लोक ग्रहण करचंदी आम पार्थी अनुपस्थित सते आमे निश्चिंत आशावादी अछु एतर भलो फल करबो डेलांग ब्लॉक जेनापुर पंचायत में निर्वाचन हिंसा रे गुरुतर आहत व्यक्ति मृत्यु राजनैतिक हिंसा रे जनकर मृत्यु होइथिबा अभियोग होइछि मृतक होउछन्ति जेनापुर पंचायत देवपुर शासन रो पांडव बेहरा 11 तारीख में पांडवों को किसी लोके माड़ मारी गुरुतर अवस्था में कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइथिला चिकित्साधीन अवस्था रे पांडवों मृत्यु होइछि पांडवों को हत्या करा जाइछि बोली परिवार लोके डेलांग थाना रे अभियोग करिछि आमे भारतीय बोली काहीं गर्व करू एमती कौन अच्छी जहाँ आमको अन्य मानक भिन्न बोली दर्शाए यह हे आम आत्मनिर्भरता जहाँ आम मानक भिन्न परिचय दे थाए आईटीसी द्वारा प्रस्तुत एवं नेटवर्क 18 रो खास प्रयास
स्वाभिमान भारत रे आमे आपनकु देशर एमिति किछि कहानी देखाउछु जहां आत्मनिर्भरतार बलिष्ठ उदाहरण। एक कहानी होची एमिति जने प्रसिद्ध खेलाड़ींकर जेकि ग्रामीण पर्यटन माध्यम रे विकासर मंत्र को निज गाँव में पहुंचाई छंती। आसंतु जानिबा से केमिति याकु संभव कले। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भुटिया अब युवाओं को फुटबॉल के अलावा एक और चीज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बाईचुंग युवाओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की ओर काम कर रहे हैं, साथ ही लोकल एसेट्स का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। It's very important that we have to start doing sustainable tourism and I come from a very small remote village and I felt that you know it's a very very beautiful village and I felt you know people should experience my village। युवा आइकन होने के अलावा भुटिया की जड़ें दक्षिण सिक्किम के टिकटम गांव से जुड़ी हैं, इसलिए वह ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं और ये अब अपने जन्म स्थान में एक पर्यटन गांव विकसित करने में व्यस्त हैं। We've started this concept of Guru Bas. It's a concept started by ACT, which is Action for Conservative Tourism. So this is the first pilot project. We're doing it in Tingitam, and Guru Bas is about getting the community involved. People coming from different cities to villages just don't come as a tourist, but they also experience the lifestyle and also learn from the gurus in the village. बाईचुंग अपने गांव के युवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दे रहे हैं। ভারতର ଏଭଳି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ 18ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆଇଟିସି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାରତ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ରଖିବା। ନମସ୍କାର।